आज हमारे पास में आया हुआ है कुछ इस तरह से मेटालिक एंड नियॉन पेंसिल कलर्स, और ये 6+12 है, 6 कलर में है, कुछ इस तरह से 12 इधर 6 और इधर पे 6, और एक साइड पूरा मेटालिक कलर है और एक साइड नियॉन कलर में है जैसे कि आप देख रहे हो। और कलर का डार्कनेस वगैरह आज हम लोग इसका देखेंगे और कलर का क्वालिटी देखेंगे कैसा है, और इसका बेस्ट टू बेस्ट रिव्यू आपके सामने लाएंगे कुछ इस तरह से। इसको ये बॉक्स को रखते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए, और कुछ इस तरह से आता है ये एक प्लास्टिक पैकिंग में है ऐसे इस तरह से। स्टार्ट करेंगे हम लोग इस कलर से, हाईलाइट होने वाले कलर्स हैं और बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। ज़्यादा प्रेसिंग नहीं करनी पड़ रही है, नॉर्मल प्रेसिंग पे ही चल रहे हैं कलर। और कुछ इस तरह से है, और सेकेंड साइड हम लोग उसी के ही बाजू में यूज करेंगे। और मेटालिक में एकदम ब्रिलियंट कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छा आ रहा है कलर, और मेटालिक की डार्कनेस और उसमें जो एक उसका जो एक चमकी उसके अंदर दिख रही है, आपको मैं कैसे बताऊं, वीडियो में व्यू नहीं हो पा रहा होगा। कुछ इस तरह से मेटालिक का जो ग्लिटर टाइप है वो बहुत अच्छा आ रहा है ग्लिटर, और मैंने अभी ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा ग्लिटर आ रहा है उसमें भी। हम लोग रेड वाला ट्राई कर रहे हैं इसमें, वाओ नियॉन कलर की बात ही अलग है। सारे ही सारा सारा ओ सॉरी, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, अगर मिस नहीं कीजिए वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो है। जिस तरह से अभी हम लोग मेटालिक कलर, सच में बहुत ही अच्छा है मेटालिक कलर का ब्राइटनेस और स्मूथनेस बहुत अच्छा है, आपको मेटालिक कलर देखना चाहिए, बहुत अच्छा स्मूथनेस है और बहुत उसमें ग्लिटरिंग बहुत अच्छी आ रही है, और प्रेसिंग भी नहीं करनी पड़ रही इतनी ज़्यादा, और वुडन वुड बहुत अच्छा है इसका, हैवी पेंसिल है। सेकेंड कलर ट्राई करेंगे हम लोग इसका, ये थोड़ा नियॉन टाइप नहीं है मगर बहुत ही अच्छा कलर है इसका, मेटालिक ट्राई करेंगे। वाओ मेटालिक कलर की बात ही अलग है, सच में मेटालिक कलर के लिए आपको इस कलर को परचेज करना चाहिए, मेटालिक कलर बहुत ही अच्छा, कलर का डार्कनेस और कलर का स्मूथनेस मेटालिक कलर का बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे किसी मेटल को आपको दिखाना है किसी पेपर पे तो आप इसी पेंसिल से ही दिखा सकते हैं, और ये हाईलाइट कलर तो वाह दिख रहा होगा आपको, बड़ा ही स्मूथ और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छा चल रहा है आपको। कलर वीडियो में इतना शार्प नहीं आ रहा होगा, शार्पनेस कलर की कुछ इस तरह से था ये वाला कलर यूज़ किया हमने। सेकंड इसका सिल्वर है, हम लोग इसका सिल्वर यूज़ करेंगे, और सॉरी ये ब्लर का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटो फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरे में। सिल्वर भी बहुत ही अच्छा है दिख रहा है बराबर, सिल्वर भी करीब से मैं आपको एक एक कलर यूज़ करने के बाद में मैं उसको आपको करीब से बता ही देता हूँ। सिल्वर का भी ग्लिटरिंग बहुत अच्छा है, सच्ची बता रहा हूँ, एकदम फेब्यूलस है ग्लिटरिंग, लीजिए आप देखिए क्या ग्लिटर क्या चमक रहा है कलर, और बहुत ही अच्छा चमक रहा है कलर। नेक्स्ट कलर ट्राई करेंगे हम लोग इसका, ब्लू साइड है इसका नेक्स्ट कलर में, दो कलर मुझे लग रहा है नॉर्मल है इसमें, जैसे ये ब्लू और ऊपर का ये, और एक ये मुझे ऐसा लगा नॉर्मल कलर टाइप लग रहा है, मगर उसका जो सेकंड साइड है मेटालिक साइड वो सच में एकदम काम का है बहुत, इसका भी मेटालिक लाइट वो आओ, अब इसका मेटालिक साइड देखना भी वाह बहुत अच्छा, एकदम गोल्डन टाइप आ रहा है इसमें मेटालिक कलर में, कुछ इस तरह से बहुत अच्छा कलर आ रहा है, और डार्कनेस भी बहुत अच्छी आ रही है। सैंपल के लिए हम लोग इसका
वाओ, ये है हाईलाइट कलर। और हाईलाइट कलर में, नियॉन कलर में जिसको बोलेंगे हम लोग, चार कलर नियॉन कलर है इसमें। हाँ, दो कलर वो नियॉन में नहीं आ रहे। हाँ, और अब इसका दूसरा साइड ट्राई करेंगे। वाओ, इसमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी है और बहुत अच्छा कलर आ रहा है, मेटैलिक में दिख रहा होगा आपको। कलर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और सही है परचेस करने के लिए। इतना जो भी नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं उसी के टाइप में है ये, और बहुत अच्छा कलर का डार्कनेस वगैरह बहुत अच्छा है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और कलर के लिए, इसी तरह से कलर्स के लिए देखते रहिए वीडियो अली स्टेशनरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।